क्यों रोकूं, जब मुझे जल्दी जाना है तो जाना है। मास्क नहीं लगा रखना दोनों, सारे के सारे रोक लो मुझे। और तुम मेरे अपने मुख्यमंत्री समझ आने के दिखा दो, और तुम गाड़ी का हाथ आके दिखा दो, चाबी निकालो। मास्क न लगाने पर दिल्ली पुलिस ने गाड़ी रोकी तो महिला का गुस्सा सातवें आसमान पर चला गया। ये बिल्कुल सही है कि पब्लिक सेंटीमेंट इन महिला की तरह है जो पूछता है कि अपनी गाड़ी में चलान क्यों? जिसने दंगा लेकर दिखाया मेरे साथ चालान, बस ठीक है ना, मेरे अपने पति के साथ मैं अपनी गाड़ी में जा रही हूँ। सबसे पहले तो महिला ने गाड़ी में बैठे बैठे ही गुस्सा निकाला और बोली कि पब्लिक भड़की तो पीएम सीएम चने बेचते फिरेंगे। अगर मैं सीधी पड़ी और पब्लिक सीधी पड़ गई ना, तो तुम और तुम्हारा मुख्यमंत्री या तुम्हारा प्रधानमंत्री सारे चने बेचते फिरेंगे। लेकिन हुक्मरानों द्वारा निर्धारित नियमों के तहत ड्यूटी कर रहे पुलिस वालों की ऐसी क्या गलती कि मैडम ने चैलेंज दे डाला कि बीच पब्लिक अपने पति को किस करूंगी तो क्या उखाड़ लोगे? शर्म आती तुम लोग, कुछ अभी मैं इसको किस करूंगी तो क्या करोगे तुम? ये मेरा पति है, मेरा मन करेगा अभी किस करूंगी इसको, क्या करोगे तुम? हम मना कर रहे हैं तो तुमने हमारी गाड़ी को हाथ कैसे लगाया? महिला ने वीडियो बना रहे पुलिस वालों को भिखमंगा कहते हुए कहा कि दम है तो सोशल मीडिया पर इस वीडियो को अपलोड जरूर करना, मैं भी एसआई की बेटी हूँ, चालान नहीं दूंगी। अगर शर्म हो ना तो इसको अपलोड करना, और मेरे को भी तो अपलोड करना इस वीडियो को, और क्या तरीके है तुम्हारी इस वीडियो को डाउनलोड करने की? लेंगे चालान हमसे आए बड़े भिखमंगे, भिखमंगे नहीं तेरे घर पे मिला रहे, समझ रहे? मैं भी एक पुलिस वाले को ला दूं, अब मेरा बाप भी ऐसा ही है। पुलिस वालों ने कहा कि चालान भी देना पड़ेगा और ऐसी बदतमीजी के लिए एफआईआर भी होगी। अरे पुलिस वाले इस तरह शर्म कर लो ना, सुन रहे हो? शर्म आपको। पुलिस वालों ने नियम समझाए तो महिला बोली कि मैंने भी यूपीएससी एग्जाम क्लियर किया है, ज्यादा नियम मत समझाओ। तो रोकी कैसे आपने मेरी गाड़ी? रोक ले क्या, हमारा अधिकार है, आपका अधिकार नहीं है, अधिकार मत बोलना। यूपीएससी मेंस क्लियर कर चुकी है, अधिकार मत बोलना। सुप्रीम कोर्ट में मेरे को बताओगे तुम, मेरे को बताओगे यूपीएससी मेंस क्लियर कर चुकी हूं मैं? क्या हो गया फिर, क्या हो गया मैडम, क्या हो गया फिर? लेकिन मैडम ने दिल्ली हाई कोर्ट का फैसला शायद नहीं सुना कि पति पत्नी तो छोड़िए, अकेले आदमी का भी गाड़ी में मास्क लगाना अनिवार्य है। हालांकि आम जनता इसे सही नहीं मानती, लेकिन पुलिस वाले तो सिर्फ अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। नीति निर्धारक तो वो लोग हैं जिन्हें जनता ने वोट देकर चुना है। लेकिन महिला ने पुलिस वालों का ऐसा बैंड बजाया कि मजबूरी में महिला पुलिस को बुलाना पड़ा और पति पत्नी को पुलिस थाने ले गई। भले ही पब्लिक गाड़ी में चलान से परेशान है, लेकिन क्या पुलिस वालों के साथ महिला के ऐसे व्यवहार और भाषा को आप सही मानते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें।